पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आई साहब, अब आप इस मामले में हमें कोई सीख मत दीजिएगा। अहिल्या की जिद के खिलाफ अपने बेटे के लिए हमने जो फैसला लिया है वही सही फैसला है। आई साहब, खंडेराव, तुम्हारा जो माले राव के प्रति पुत्र मोह है ना, वो सही है। लेकिन अगर अहिल्या की बात करें तो वो भी एक आई है और उसने जो माले राव को लेकर निर्णय लिया है, भले ही वो कठोर हो लेकिन वो गलत नहीं हो सकता। माले राव की परवरिश में तुम और अहिल्या दोनों बराबर के भागीदारी हो, इसलिए बस ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से एक पुत्र अपनी आई को गलत समझ बैठे। बस इतना ही कहना था। देखा बाबा साहब, सब लोग आई की तरफदारी कर रहे हैं, अज्जी भी। माले राव, तुम्हारी आई कुछ भी गलत कहकर नहीं गई है और हम उनका दिल दुखाकर उनके खिलाफ जाकर यहाँ रुक रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है माले राव कि वो गलत है। हमने तुमसे पहले भी कहा है और फिर कहेंगे माले राव, जितना प्यार हम तुमसे करते हैं तुम्हारी आई भी तुमसे उतना ही प्यार करती है माले राव। अब तुम वादा करो हमसे कि तुम गुरुजी से क्षमा मांगोगे माले राव। लेकिन बाबा साहब, माले राव वचन दो हमें कि तुम गुरुजी से क्षमा भी मांगोगे और आइंदा से फिर कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। राव तुम यहां बैठो, हम अभी आते हैं। ईश्वरी सिंह के उस आदमी के बारे में कुछ पता चला दादा? हमारे सिपाहियों की गश्त जारी है, लगातार जारी है, लेकिन अभी तक ईश्वरी सिंह के उस आदमी का कुछ पता नहीं चला है। अम्मा गड़ी, आपको ईश्वरी सिंह जी ने अंदर बुलाया है। ईश्वरी सिंह जी को धनाजी का खंबा गणी गणी गम्मा। गिरफ्तार कर लो इसे। माले राव ने जो भी गलती की है उसके लिए वो गुरुजी से क्षमा जरूर मांगेगा अहिल्या, और इतना ही नहीं, गुरुजी के इलाज का जो भी खर्च है वो शाही खजाना उठाएगा। छोटी रानी, क्या कर रही है? सब्जी जल जाएगी, तुम यहां सब्जी देखो। क्या हुआ छोटी रानी, किस बारे में सोच रही थी? बस सारजा के बारे में सोच रही थी। मैं भी कितनी स्वार्थी हूं ना, प्रतियोगिता के बाद सारजा के साथ बात ही नहीं कर पाए।
नहीं छोटी रानी, ये बात नहीं है। आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं और जुबान कुछ और। पता है पार्वती बाई साहब, आज प्रतियोगिता के बाद सासू बाई ने मुझसे एक बात कही कि आज मेरी दोहरी जीत हुई है। एक तरफ सारसा प्रतियोगिता जीत गई और दूसरी तरफ माले राव ने ज्ञान कक्ष में जाना शुरू कर दिया, और मुझे लगा कि मैंने एक सुबेदारनी और एक माँ दोनों का फर्ज बखूबी निभाया। लेकिन सच बताओ पार्वती भाई साहब, मैं दोनों तरफ से हार गई। गृहस्थी के मामले में माले राव ने मुझे हरा दिया और साझा के मामले में मैं जीत कर भी हारी गई। मतलब साझा की गृहस्थी बिखर गई है मेरी वजह से, मैं दोषी हूं। लेकिन मैं जानती नहीं थी पार्वती बाई साहब कि उसका पति उससे इतना नाराज है। सारजा, पार्वती बाई साहब, सारजा मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी सहेली है। उसे पूछना कि उसे क्या खाना है आज। जीत जो गई है प्रतियोगिता, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, मैं आती हूँ। अहिल्या को वो माले राव को लेकर आज जो हुआ उसकी वजह से उदास है, और उससे भी ज्यादा तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? बताओ, ये मालवा का सरदार हमारे इलाके में क्या कर रहा है? आपके लिए काम की खबर लाया हूं, मगर आपने तो हमें ही बंदी बना लिया। स्वतंत्र हुए बिना हम किसी को खबर नहीं देते। सिपाहियों, छोड़ दो इसे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।